हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अनिल मौर्य और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड जो है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसानी तरीके से, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये मैं बता दूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये आप बाई करो ये सेल करो। ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए आप इसको सीखिए और फिर ट्रेडिंग करिए, राइट। ऑप्शन मार्केट ऑलवेज रिस्की होता है, सो इसीलिए आपको पहले नॉलेज लेना है फिर इसके बाद करना है। लेकिन एक मैं ऐप आपको एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है इंस्टा ट्रेड, राइट। इंस्टा ट्रेड जो कि आपका काम बहुत ही आसान कर देता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं ये है क्या ऑप्शन। सो यहां पे इंस्टा ट्रेड देखिए ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ट्रेड नाउ पे। ट्रेड नाउ पे क्लिक करते फ्रेंड्स यहां पे आप देखिए ऑप्शन आ जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी पे करना चाहते हो ट्रेडिंग तो निफ्टी पे क्लिक करिए, बैंक निफ्टी पे करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी पे क्लिक करिए, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि बाई सेल करना है तो यहाँ पे नीचे देखिए कॉल और पुट दिया हुआ है, यानी आपको सामने ही कॉल पुट दिया है। अगर आपको देखो अब चार्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे आप टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हो टेक्निकली वो टाइम फ्रेम ले लीजिए। अब देखो आपको जैसे यहाँ पे आपको यहाँ से दिख रहा था कि मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो आप यहाँ पे कॉल बाई करते थे। अब सपोज अभी मान लो करेंटली अगर आपको लग रहा है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कैंडल देख कर, तो आप डिसाइड करो। अगर मान लो लग रहा है नीचे गिरेगा तो आप पुट बाई करो। अब पुट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहां पे जो है दो स्ट्राइक प्राइस आ जाता है। पहला एक तो जो है ओटीएम आ जाता है, एकदम ओटीएम नियर ओटीएम यानी एट द मनी के आसपास वाला। जैसे मान लो मार्केट चल रहा है 15,830 तो 15,800 का पुट आ गया यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 15,750 का पुट थोड़ा सा दूर का, यानी एक लगभग समझो करे एटीएम वाला पुट आ जाता है एकदम लगभग एटीएम के आसपास वाला, अब एक थोड़ा सा ओटीएम का पुट आ जाता है। सो अब आपको स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्शन ये सब टेंशन खत्म हो गया, सीधा आपको यहाँ पे दिया है चाहे ये बाई करो चाहे ये, जो भी बाई करना उसके ऊपर क्लिक कर लो। मान लो आपको ये वाला बाई करना तो इसके ऊपर क्लिक किया, ये बाई करना ये वाला करिए। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है यहाँ आपको मार्जिन कितना लगने वाला 4,000, इसमें कितना लगेगा 3,000, ये इसका प्रीमियम है 60 रुपये, ये इसका प्रीमियम 78 रुपये, इसकी एक्सपायरी डेट है 30 जून को इसकी एक्सपायरी डेट है, राइट। ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और पुट लिखा हुआ है, बस आप सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे दबा देंगे बटन पे तो आपका बाई हो जाएगा, राइट। बाई होने के बाद आपका जो है प्रॉफिट लॉस चलने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा कुछ तो बाइंग है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, राइट। अब आपको अगर सपोज दैट आपने कोई चीज बाई किया, बाई करने के बाद आपको उसको बेचना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ये जो पैनल दिखा रहा है राइट, इसके बाजू में आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिखा रहा है, बाजू में देखिए यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन है यहाँ पे। सो ये ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो आपके ऑर्डर में यहाँ पोजीशन में दिखाने लगेगा। तो आपको कुछ भी जो बाई सेल करना है आपको, मतलब आपको टारगेट लगाना हो तो आप सिंपली जैसे सपोज दैट मेरे पास ये बैंक निफ्टी है इसका मुझे टारगेट लगाना है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाता है एग्जिट, स्टॉप लॉस लगाना स्टॉप लॉस, राइट। तो अगर आपको अभी मान लो एग्जिट करना है तो एग्जिट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे प्राइस डाल दो कितने पे एग्जिट करना चाहते हो। मान लो मैंने ये शॉर्ट सेल किया है मुझे 270 पे एग्जिट करना है तो 70 डालूंगा, एग्जिट दबाऊंगा एग्जिट हो जाएगा, राइट। या फिर अगर मुझे टारगेट लगाना है कोई तो यहाँ से टारगेट लगा दूंगा, स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉप लॉस लगा दूंगा। यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस आ जाता है, सीधा मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस प्राइस पे स्टॉप लॉस प्राइस डाल दूंगा और सीधा हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ये इंस्टा ट्रेड यूज करके बहुत ही आसान तरीके से कॉल या पुट आप बाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप बैंक निफ्टी करना चाहते हो यहाँ बैंक निफ्टी दिया है, बैंक निफ्टी क्लिक कर लो, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा, राइट। और कॉल पुट जो बाई करना चाहते हो बाई कर सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। तो इंस्टा ट्रेड जो है यहाँ पर आकर आप जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी इंस्टा ट्रेड के जरिए ऑप्शन ट्रेडिंग आप शुरू करिए, राइट। और बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है यहाँ। सो के फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।